तो गाइस इस मूवी को अकेले में देखने का कष्ट करना, वरना आपके माँ बाप आपको सारे आम मानने का कष्ट करेंगे। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी फिल्म, तो फिल्म का दो नाम है। पहला जो नाम है वह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप नीचे देखने का कष्ट कर सकते हैं। दूसरा नाम है लव इन पेरिस। इसे देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा 45-46 मिनट का समय देना पड़ता है। हिंदी डबिंग काम चलाव की गई है और ऑफकोर्स आप इसे फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया तो होगी कहानी हकीकत कहना क्या चाहती है। ओ कहानी कुछ कहती ही नहीं है, ये एक वाहियात फिल्म है। आप सोचेंगे कि आप एक ठरकी फैन है तो इस फिल्म को देखेंगे, तो थोड़ा बहुत सीन को छोड़ दे तो ठरकियों के लिए भी कुछ भी इस फिल्म में इतना खास कुछ नहीं है कि देखकर आपका थोड़ा सा मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्टिंग सभी ने एवरेज सी की है। प्रोडक्शन क्वालिटी आपको इतना खास देखने को नहीं मिलता है। एडल्ट सीन की बात करूँ तो देखने को मिलता है, पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लास्ट का जो सीन है वह थोड़ा सा देखकर अच्छा लगता है, पर बहुत ही कम है, और उस सीन के कारण तो आप पूरा का पूरा फिल्म नहीं देखेंगे, दूसरा कुछ जाकर देख सकते हैं, मतलब समझ जाइए। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि फिल्म वाहियात है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।